नमस्कार दोस्तों, लाइफ सेट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में। अभी जो खबर मिल रही है कि 20 से 21 लाख पैन कार्ड जो निरस्त कर दिए, इनएक्टिव कर दिए, तो उसके बारे में हम बात करने वाले। कहीं आपका पैन कार्ड तो नहीं उसमें, इसीलिए आपको क्या करना होगा, कैसे आपका पैन कार्ड एक्टिव है इनएक्टिव उसे चेक करना होगा, उसकी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि जो भी हमारा अगला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अभी डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जहाँ पर आपको आना है, इनकम टैक्स इंडिया efilling.gov.in पर आपको आना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा इस वेबसाइट खुलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा नाउ यूअर पैन, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। नाउ यूअर पैन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल भर देनी है, तो यहाँ पर आपको सरनेम डाल देना है, आपका जो भी सरनेम है उसकी वो डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद अपना मिडल नेम नहीं डाला तो कोई बात नहीं, उसके बाद अपना फर्स्ट नेम डाल देना होगा। उसके बाद आपका स्टेटस डाल देना होगा, जिस भी प्रकार का आपका पैन कार्ड है, इंडिविजुअल या ट्रस्ट है, कंपनी का है, तो वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए हम ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर देते और आपको आगे दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन मोबाइल नंबर के साथ भर देते हो, उसके बाद क्या होगा कि आपका जो आपने भी जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस पर आपको एक पासपोर्ट मिलेगा, उस पासपोर्ट को यहाँ पर आपको डाल देना है। तो चलिए हम उस पासपोर्ट को यहाँ पर डाल देते हैं और उसके बाद आपको वैलिड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर वैलिड पर क्लिक कर देते हैं, आपको आगे दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप वैलिड पर क्लिक करते हैं अपने मोबाइल नंबर पे, जो पासपोर्ट आने के बाद वैलिड पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने एक ऐसी पैन डिटेल आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पैन नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, मिडल नेम आ जाएगा और सर नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इंडियन सिटीजन पर यस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्टेंस जो भी आ जाएगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपका रिमार्क, मतलब आपका एक्टिव है इनएक्टिव। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको ये जो पैन कार्ड है, मैंने अभी इसकी जानकारी ली है, एक्टिव पैन कार्ड है। तो आप इसी तरह से देख सकते हैं कि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो नहीं गया। अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया तो आपको उस आधार कार्ड लिंक करवाना होगा। अगर आपका आधार कार्ड से भी नहीं होता है तो आपको कस्टमर केयर को कॉल करके वहाँ से पूरी जानकारी लेनी होगी कि आपको फिर से जो पैन कार्ड बनवाना चाह होता है, तो आप यहाँ पर उनसे बात कर सकते हैं। नहीं तो आपको अपना जो आधार नंबर है उसे अपडेट कर देना होगा। तो यहाँ पर आप इसी तरह से इसे आकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारे नए चैनल के बारे में मालूम नहीं तो उसे भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम उस चैनल पे जो नए नए न्यूज़ है उसके बारे में जानकारी देते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकिंग न्यूज़, बैंकिंग नियम, ये बहुत सारे न्यूज़ उस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों यही थी इस वीडियो में अपडेट। धन्यवाद, बाय बाय।